हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी विथ बेबी रानी चैनल। और मैं हूं बेबी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बालूशाही की रेसिपी। बालूशाही बनाना बहुत आसान है दोस्तों, टाइम भी कम लगता है। बस छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होगा, तो आपके भी बालूशाही हलवाइयों जैसे अंदर से जूसी और ऊपर से सॉफ्ट बनेगा। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर कर लेना। तो चलिए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो बालूशाही बनाने से पहले हमें चाशनी बनाना होगा, क्योंकि चाशनी ना गुनगुना चाहिए होता है। तो देखिए, चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन को गैस पर रखा है। अब हम इसमें 2 कप चीनी डाल देंगे। ये चीनी हमारा 500 ग्राम है, कप से 2 कप नापा है, तो इसी कप से हम 1 कप पानी डाल देंगे। तो हर चीज़ नाप करके ही डालना, नापने के लिए एक ही कोई बर्तन रखना, कप, गिलास या फिर कटोरी। बालूशाही के लिए चाशनी हमें 1 या 2 तार के नहीं बनाना होता है, बस जिस तरीके से शहद होते हैं ना चिपचिपा सा, उसी तरीके से हमें चाशनी को बनाना होता है। तो इसीलिए हमने पानी भी नाप करके डाला है। अब हम इस चीनी को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक चीनी घुल नहीं जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चीनी हमारा साफ था, तो पानी डालते ही जब चीनी घुलने लग गया है तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर आपके चाशनी गंदा दिखता है तो उसमें 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए दूध। दूध जब उबल जाए तो झाग के रूप में गंदगी ऊपर आ जाते हैं, तो उस झाग को निकाल लीजिए तो चाशनी साफ हो जाती है। बालूशाही में अच्छा कलर देने के लिए 6 से 7 केसर के धागे डाल दिए। अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए 1 इलायची को तोड़ करके डाला है, तो केसर से अच्छा सा कलर मिल जाएगा, इलायची से अच्छा टेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए, चीनी हमारा घुल गया है, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। रुक रुक करके मिक्स भी करते रहेंगे। 3 से 4 मिनट तक इस चाशनी को हमें उबालना है। चाशनी को चेक करने के लिए आँच को हम धीमी कर लेंगे और 1 चम्मच लेंगे, उस चम्मच के ऊपर 2-3 ड्रॉप गिरा लेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे, या फिर दोनों उंगलियों के बीच में चाशनी को रख करके हम चेक करेंगे। जिस तरीके से शहद होते हैं ना चिपचिपा सा, बस उसी तरीके से हमारा चाशनी होना चाहिए। तो ये चाशनी हमारा बन करके तैयार है दोस्तों, ये देखिए चाशनी जो जम जाते हैं उसे रोकने के लिए 2 से 3 बूंद नींबू का जूस डाल देंगे। इससे ना जब हम बालूशाही डिप करेंगे तो उसके ऊपर जो चीनी जम के दिखता है तो वो नहीं होगा। बस नींबू डालने के बाद मिक्स करके गैस को बंद कर देते हैं और इसे ढक्कन बंद करके साइड में रख देते हैं। कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैदा फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए हर चीज़। तो जिस कप से हमने चीनी नापा था उसी कप से हम मैदा भी नाप रहे हैं। आज हम बालूशाही बना रहे हैं बिना बेकिंग पाउडर के। आप लोग कमेंट में पूछते हो, दीदी बिना बेकिंग पाउडर के बालूशाही नहीं बनेगा क्या? तो फिर मैं सोची चलो आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो जिस कप से हमने मैदा नापा था उसी कप से 1/2 कप हम घी लिया और 1/2 कप पानी लेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो इसके जगह आप डालडा का यूज कर सकते हो। डालडा या फिर घी यूज करने से बालूशाही में परत बनती है, तो इसी वजह से घी या फिर डालडा यूज किया जाता है। तो देखिए, दोनों चीज़ हमने नाप करके डाला है। ना तो इसके अंदर आटा मिक्स करना होगा, ना तो पानी, क्योंकि हमारा मेजरमेंट इतना परफेक्ट है कि कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं और इसी मेजरमेंट से आप बालूशाही बनाना, देखना आपके बालूशाही परफेक्ट बनेगा। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना, जो जो चीज़ मैं बता रही हूँ सेम टू सेम वैसे बनाना। फिर कमेंट करके बताना कि आपकी बालूशाही कैसी बनी थी। तो चलिए, इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। बालूशाही बनाने के लिए जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें इसका डो तैयार नहीं करना होता है। बस ये जो सूखा सूखा आटा है ना, इसे हमें छुपाना है इस तरीके से मिक्स करते हुए।
तो ये देखिए, ना तो हमें घी का ज़रूरत पड़ा, ना पानी का, ना आटा का। हमारा डो तो लग गया है, पर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ पे हाथ के ऊपर फैलाते जाएंगे और समेटते जाएंगे। ये स्टेप आपको 6 से 7 बार करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं करना। इससे क्या होगा कि जो आटा सूखा रह गया होगा ना बीच में, या फिर घी कहीं नहीं आया होगा, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये करेंगे कि स्लेब पर या फिर चॉपिंग बोर्ड पे रख करके इसे फैलाएंगे, फैला करके बीच में चाकू से कट कर लेंगे। फिर ये कटा हुआ परत दूसरे ऊपर रखेंगे। ये स्टेप भी आपको 6 से 7 बार करना होगा, इसके वजह से बालूशाही के अंदर परत बनेंगे। हलवाई लोग भी यही टिप्स को अपनाते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से हम फैलाएंगे, फिर परत को इसके ऊपर रखेंगे, फिर कट करके फिर से फैलाएंगे। इसी तरीके से 6 से 7 बार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर से कट लगा लेते हैं। हर एक स्टेप आप फॉलो करना, तो देखना आपके बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फैला लिया, अब फिर से कट लगाएंगे और फिर से इसी तरीके से परत के ऊपर परत रखेंगे और फिर से फैला देंगे। बस 6 से 7 बार ही करना है। तो मैं आपको परत यहाँ पे दिखाती हूँ कि आटा के अंदर भी परत दिखने लग जाते हैं। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस आटा को 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके साइड में रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद या फिर 20 मिनट के बाद इसे 1 से 2 बार फिर से हम इस तरीके से फैलाएंगे कट लगाकर, उसके ऊपर परत रखेंगे। क्योंकि 10 से 15 मिनट हमने रखा था ना, तो आटा के ऊपर परत जम जाते हैं, मतलब ऊपर का आटा सूख जाते हैं, तो उसी को मिक्स करना होता है। बस 1 से 2 बार ही करा हमने। फिर इसे बराबर हिस्सा में कट कर लेंगे, 4 हिस्से में मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ। ऐसा करने से ना आपके सारे बालूशाही बराबर बनेंगे। तीनों हिस्सा को साइड में रख लेते हैं, एक हिस्सा लेंगे और इसे सॉफ्ट बनाएंगे, मतलब कि रोल बना लेंगे। ये रोल ना तो पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, और अच्छे से स्मूथ कर लेंगे आगे पीछे सारे जगह से। अगर कहीं से भी दरार रह जाएगा ना, तो आपके बालूशाही फटने का चांस बच जाता है। तो देखिए, ये हमारा रोल सॉफ्ट हो गया, इसे भी हम बराबर हिस्से में कट कर लेंगे। तो 5 से 6 पीस एक रोल में बन गया है। इसी तरीके से पहले मैं सारे रोल को कट करके तैयार कर लूँगी। इतना आटा में आप लगभग 1 से 1.5 किलो बालूशाही बना सकते हो। तो देखिए, सारे पीस कट करके रख लिया। अब एक पीस उठाएंगे और इस तरीके से रोल करते हुए बीच में होल्ड कर देंगे। ये देखिए, साइड में जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, उसे भी हम बराबर करते जाएंगे। तो चलिए, इसी तरीके से मैं सारे बालूशाही बना करके रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए, हमारा सारे बालूशाही बनकर के तैयार है दोस्तों। अब फ्राई करने के लिए मोटे तली के कढ़ाई लेंगे, उसमें डाला है 1 kg रिफाइंड ऑयल, या फिर आप घी भी ले सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा हम डाल रहे हैं, पर ये इतना लगता नहीं है, बहुत कम लगता है। धीमी आंच पे रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। तो देखिए, छोटा सा बॉल मैंने डाली हूँ, कोई भी बबल नहीं निकल रहा है। ये तेल अभी इतना गर्म है कि मैं इसमें उंगलियाँ भी डाल सकती हूँ। और इसमें सारे बालूशाही बारी बारी करके डाल देंगे। तो जितना बालूशाही आ सकता है उतना ही बालूशाही डालना, अगर ज़्यादा डाल दोगे तो वो टूट फूट जाएगा। तो देखिए, सारे बालूशाही आराम आराम से सेट कर लेंगे। आंच को बिल्कुल धीमी रखना है, हो सकता है तो आपके गैस जो बहुत धीमी जलता है उसके ऊपर कढ़ाई रखें, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो वैसे ही इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसके वजह से भी कई बार बालूशाही नहीं फूलते हैं। तो
तो ध्यान रखना कि जहाँ पे धीमी गैस जो वाली जलती है ना उसके ऊपर रख देना। तो ये देखिए मैंने इसको धीमी आंच पे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद ये सारे बालूशाही ऊपर आ गए हैं। 20 मिनट तक आपको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये सारे नीचे था ना, ये तेल के ऊपर तैरने लग गया है। मैंने आपको फ़ोटो भी लगा दी थी। और जब ये ऊपर आ जाए तो देखिए, मैंने अभी कोशिश कर रहा था पलटने का तो एक बालूशाही टूटने लग गया है। तो 2 से 3 मिनट तक मध्यम आंच पे पकने देंगे, थोड़ा सा करारे होने देंगे, फिर पलटेंगे। अब हम इसे पलट पलट करके लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बालूशाही का कलर बहुत परफेक्ट आया है। इससे ज़्यादा हम नहीं फ्राई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे और आँच को अभी धीमी पे रखा है। अगर आपके चाशनी ठंडी हो गई है तो चाशनी को गुनगुना कर लें, गरम कर लें फिर से, फिर उस गुनगुना चाशनी में गरम गरम बालूशाही को टिप करेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे चाशनी को गरम कर लिया है। आँच को मैं धीमी इसलिए रख रही हूँ, अभी बताती हूँ कि एक बैच में ये चाशनी में डिप नहीं हो पाएगा, तो मैं ना 2 से 3 बार में डिप करूँगी। तो ये बचा हुआ कढ़ाई वाला धीमी आंच पे साइड में रख दूँगी, तब तक मैं चाशनी में ये वाला बालूशाही को डिप करूँगी। तो चाशनी मैंने गरम कर लिया है, गुनगुना ही करना है। और ये जो बालूशाही निकाला है इसे हम डिप करेंगे। तो ज़्यादा देर तक डिप नहीं करना है, 3 से 4 मिनट तक डीप करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप ज़्यादा देर तक रख सकते हो डीप, पर बालूशाही ज़्यादा मीठा अच्छे नहीं लगते हैं। 3 से 4 मिनट तक डीप करेंगे। और कुछ इस तरीके से देखिए ये कितना अच्छे से फूल गया है ना, जब मैं इसे डीप कर रही हूँ तो ये तैर करके ऊपर आ रहे हैं। जब आपके बालूशाही फूल जाते हैं ना तब समझो कि आपका मेहनत सफल हो गया। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसे मैं निकाल लूँगी, दूसरा वाला बैच में इसमें डाल देती हूँ। इसी तरीके से फिर 3 से 4 मिनट तक इसे डिप कर लेंगे, उससे कम भी रख सकते हो, या फिर चाशनी बनाने के लिए आप बड़ा बर्तन का भी यूज कर सकते हो। मैंने छोटा बर्तन इसलिए यूज किया है, ज़्यादा चाशनी बनाओ तो फिर वो चाशनी बच जाते हैं। थोड़ा सा चाशनी बनाया, थोड़ा मेहनत लगेगा पर ये चाशनी बचेगा नहीं। तो दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से तीसरा बैच हम डिप कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस बालूशाही को तोड़ करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से जूसी बालूशाही बन करके तैयार हुआ था। आप सेम फॉलो कीजिएगा, आपके भी बालूशाही इसी तरीके से अंदर से जूसी ऊपर से सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आपके अच्छे अच्छे कमेंट का हमें इंतज़ार होता है। तो चलिए इस बालूशाही को इस प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। पिस्ता से मैंने यहाँ पे सजा दिया है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।